पिताजी परमान लगे पादुएं पन पलानिया दूजे लगा है लख सिगार बनाया कारज नहीं केत जित दिन देह बिन्न सी तित वेले कै संत पकड़ चलाएं दूत जम किसे न देनी पेत छड़ खड़ोते खिने माहिन जिनस्यों लगा हेत। इथों तक दो बारी हेत का शब्द आया है। हेत प्रेम नू कहिंदे हन। नित लोक दे बारे च समझा रहे हन कि इस दे विच दो किस्म दे परम क्यों हन। इंसान आंदा ही इह परमां च क्यों फसदा हन। साहब गुरु ग्रंथ साहब वो प्रकाश पा रहे हैं कि हर एक जना इस दे विच प्रेम लभदा है। हर एक जना सुख लभदा है और वो प्रेम और सुख सारा मैं मेरे विच लभदा है। मैं मेरे नाल प्यार करता हूँ। हेत पादुए परम पलानिया दूजे लगा हेत। फिर साहब गुरु अर्जन पातशाह दूजे का मतलब समझाते हैं लख सिगार बनाया कारज नहीं केत। अपने शरीर का अपना लखां किस्म के तरीके नाल उनू सिगारिया है सजाया है उदा पाल पोषण अपने आप कर रहा है कि समझ के उसनु ए मैं ए असल है ए तत् है ए सच है मैं नु सच जान बैठा है। उस वेले साहब सब ते अखीर ते फिर तू नू दस दे भुल गया है। हेत दा शब्द तीन बार इस्तेमाल होया इस महीने दे विच दूजे लगा हेत छड़ खड़ोते खिने माहें जिनस्यों लगा हेत। फिर से पादुए नरक ना पाइए गुर रखन वाला हेत। हुण साहब तूं दी गल कर रहे हैं पहले तां कि इह जिहड़ा शरीर है इह मैं है दूजा छड़ खड़ोते खिने माहें जिनस्यों लगा हेत। ओ जिन्हां नाल प्रेम करदा सी जिन्हां नूं मेरे मेरे कहिंदा सी उह छन्न दे विच पराए हो गए छन्न दे विच छड्ड गए। पहला तां शरीर पराया होया है उह भी छन्न दे विच फिर उह पराए हो गए। साध संगत जी बाबा नाथ सिंह साहब समझा रहे सन कि इह दुनिया है कि ए मृत लोक एक मसाफर खाना है। इत्थे मसाफर खाने च ना कोई अपना पता तो लेके आया है ना कोई पता तो दे के गया है छड़ खड़ोते किने माहे जिनस्यों लगा हेत। पकड़ चलाएं दूत जम किसे न देनी पेत। ए पेद आज तक कसे नूं नहीं पता लग्या कि ए आया कथों है ते जाना कथे। सा संगत जी ए शरीर जिस नूं मैं करदा है पंज तत्तां दा बनिया है। पिता जी कहन लगे पंज तत्त साडी मलकियत नहीं है ए साडे अधीन नहीं है पर असी इस दे पूरे अधीन हो जाने हैं। जेहा बीजा सोल ने करमा संधड़ा खेत। ए करम जूनी है जिस तरह ए मैं मेरे दा बीज असी बीजदे हैं उदा ही सानू भुगतना पैंदा है। जो फिर इस महीने दे अखीर च साहब सोझी पाउंदी है नानक प्रभ सरनाकी चरण बहुत प्रभ देत। साहब दी शर्म दे विच
साहब दे चन कमलां दा जहाज मिल जाता है जेड़ा इस मृत लोक दे विच पाप सागर नूं पार करांदा है। से पादुए नरक ना पाइए गुरु रखन वाला हेतु, नरक भोगदे हां आपां इस मैं मेरी दे विच, उस तो बचन वास्ते सिर्फ इको ही प्यार है, इको ही प्रेम है जेड़ा रख्या करदा और बचा लैंदा है, वह सतगुरु का प्रेम है, गुर रखन वाला हेतु। सा संगत जी ए पिता जी समझा रहे सन पर लैके कत्थे गए। कहन लगे साहब ने मेरे बाबा नंद सिंह साहब ने 13 भादों चाहते हैं, 13 भादों जिस वक्त तशरीफ लियाए है उन्होंने उस वेले 13 कत्तक चुने। कत्तक का महीना भी इस प्रकाश में ए तू 13 दे प्रकाश में ही पूरे का पूरा स्पष्ट कर दिता है, उस दे विच कोई शंका नहीं छड़दा। उस दे बाद पिता जी कहन लगे कि साहब ने 13 ही नेम गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश विचों ले और फिर 13 दी गिनती दे विच ही तू 13 दा प्रकाश पूरा वंडिया है सारी जिंदगी। श्री गुरु ग्रंथ साहब की गिनती विच वो प्रसाद वंडिया है। साध संगत जी 1 13 2 13 3 13 गुरु नानक पातशाह का बख्शिया होया नाम भी उस गिनती विच, गुरु नानक पातशाह भी इस अमृत बाणी गुरु ग्रंथ साहब की अमृत बाणी दे पाठ भी इस गिनती च, श्री गुरु ग्रंथ साहब की गिनती च सब कुछ 13 दी गिनती दे विच बख्शिया। जदों 13 दी गिनती ते आए कहिंदे जिस वक्त आपां बाबा नंद सिंह साहब दे उस प्रकाशमय जीवन का प्रकाश थोड़ा जिहा भी उस दे विच चाती मारदे हैं, उस वेले पता लगता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश विचों किस तरह उन्होंने वो 13 नेम के प्रकाश साढ़े वास्ते स्पष्ट किए हैं, वो साड़ी झोली च किस तरह उस ज्ञान नूं बख्श रहे हैं जेड़ा तू 13 तो प्राप्त होंदा है। साध संगत जी आओ बाबा नंद सिंह साहब का पहला नेम किस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहब की अमृत बाणी वो प्रकाश सानू बख्श रही है।